सिंह चढ़ूनी के घर के बाहर इस समय मौजूद है और बताया गया है कि अभी अभी जो है ना यहाँ पर रेड हुई है। किसकी रेड है, क्या कुछ है, एक बार अंदर चल के आपको दिखा देते हैं ये घर। सर आप ऐसे कैसे टच तो नहीं करो। सॉरी नहीं, अंदर नहीं, क्यों नहीं जा सकते? नहीं प्लीज, मीटिंग चल रही है अंदर। किसकी मीटिंग चल रही है? बैठे हैं, बिजी। कोई बात नहीं, आप साइड, थोड़ा बिजी आप, प्लीज पर आप साइड, प्लीज रिक्वेस्ट। तो भाई यहाँ तो अंदर जाने नहीं दे रहे, अंदर है ना कुछ अलग ही चल रहा है। अभी पता चली थी, डिटेल मिली थी, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखो, ये पूरा एरिया ना गुरनाम सिंह चढ़ूनी का है। सुना था करोड़ों के मालिक है। देखो लगता है यहाँ पे डंबल्स भी पड़े हैं, जिम का सामान भी पड़े हैं। गुरनाम सर जिम भी करते हैं क्या? आ जाएंगे सर, कोई नहीं, इधर भी आपको दिखा देते हैं। इन्होंने अपना पूरा बैठने बैठने का सिस्टम बनाया हुआ है, अंदर इनके घर में भी लेके जाएंगे। ऐसे नहीं मना कर सकते भाई साहब, आप मीडिया को थोड़ी मना कर दोगे, ऐसे नहीं मना कर सकते आप। चलो आपको एक बार अंदर भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। अंदर लेके चलते हैं आपको। ये है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का वो घर, देख लो भाई। बाहर बाइक, एक्टिवा, गाड़ी नहीं जी, वो तो नहीं है। सुना था अंदर मीटिंग चल रही है कोई? नहीं नहीं, तो करीब 4-5 घंटे में गए हुए और परसों आएंगे। अच्छा जी, परसों आएंगे। एक बार बैठ जाओ, फार्मी तो बातचीत कर लेते हैं। किसानों को लेकर वैसे ही सवाल बहुत ज्यादा है। नाम क्या है पहले तो ये बता दो। नाम है अर्शपाल सिंह चढ़ूनी। अच्छा जी, आप भी अपने फादर के नक्शे कदम पर चल पड़े और आपने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, कुछ और नहीं सोचा था क्या? मैडम चलना पड़ेगा, आज आप देश के हालात देखिए क्या हो गए हैं। सब कुछ जो है सरकार ने बेचने पे लगा दिया, सरकारी हॉस्पिटल, रेलें, एयरपोर्ट, सब कुछ तो बेच दिया। आज किसानों के हालात देख लीजिए क्या हो गए हैं, मजदूरों के। आपने अपने फादर के हालात नहीं देखे? एमपी, एमएलए, हर चीज की ट्राई कर ली, कभी कोई इलेक्शन नहीं जीते वो अभी तक, ठीक है। इतनी बार जेल में चले गए, इतने पर्चे हो गए, फिर भी आपने यही इसी लाइन को चूज किया, क्यों? मैडम देखिए, जो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन तो हार जीत तो होती रहती है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़े बड़े नेता हार गए और कोई बात नहीं, हारियां तो जीत भी जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। आप ये मदर थे आपके? जी हाँ, मेरे माता। आंटी जी भी है, सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल जी। अंकल नहीं है घर पे आज? अंकल बाहर गए प्रचार के लिए। आज रेट मार दिया आपके यहाँ हमने बिना बताए। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया, मारने किया बहुत अच्छा। देख लो बहुत अच्छा, कुछ निकलेगा तो नहीं घर में से? निकालो घर में से तब निकलेगा अगर कोई दो नंबरी हो या किसी कोई चोर हो या कोई ऐसा आदमी हो जिसको डर हो किसी चीज का पकड़े जाने का। हमारे पास कोई ऐसा कुछ ऐसा है? भारत कृषि प्रधान देश है, सरकार जो है किसानों की मदद के लिए 24 घंटे खड़ी है जैसा वो कहती है, लेकिन आप लोग कभी संतुष्ट ना होते ना दूसरे किसानों को होने देते, ऐसे आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले। मैडम बीजेपी वाले तो आरोप लगाएंगे, आप एक चीज देखिए ना, इन्होंने किसानों के लिए जितनी भी, आप इनका चलो सारी चीज छोड़िए, मंडीकरण देख लीजिए। मंडीकरण की जो इनकी व्यवस्था है, कभी कहीं पे पूरे शेड नहीं है, बरसात आ गई सारी फसल खराब हो गई, पानी में बह गई, किसान की 6-6 महीने की मेहनत होती है, उसके बाद उठान का प्रबंधन इनका इतना बेकार है। उसके बाद अब जो पराली वाला मैटर ये चल रहा है, पराली वाले मैटर में आप देख लीजिए, किसान जो है पराली जला के राजी नहीं है। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता चाहे आपके फादर हो गुरनाम जी, चाहे आप लोगों की हितों, किसानों के हितों की बात कम करते हो, राजनीति ज्यादा करते हो? नहीं नहीं नहीं, किसानों के हितों की बात कर, जितने आंदोलन गुरनाम सिंह जी ने लड़े हैं, इतने आंदोलन तो किसी ने भी लड़े और हर आंदोलन जीता है किसानों के पक्ष में, बताइए किसी और ने लड़े हो? लेकिन राजनीति में क्यों आना हुआ फिर? किसानों के लिए लड़ते हैं ना, आपने यूनियन बना ली थी, ठीक है, राजनीति में कैसे उतर गए फिर? तो मैडम फर्क क्या रह गया राजनेताओं में और आप लोगों में? मेरे को बोलने दीजिए ना, फर्क राजनेताओं में और हमारे में ये है, राजनीति में आना जो है किसान का जरूरी इसलिए है, इस बात पे ज्यादा जोर इसलिए देते हैं हम, क्योंकि आज जहाँ कानून बनते हैं देश के किसानों के हित में, जहाँ बनने चाहिए, जहाँ बनते हैं, पास होते हैं, वहाँ पे तो अगर जब तक किसान का बेटा नहीं बैठेगा तब तक उसके हक के कानून नहीं बनेंगे, तो ये तो मजबूरी है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और मैं किसान आपके चैनल के माध्यम से एक और विनती करना चाहूँगा किसानों, किसान भाइयों से, कि अब की बार किसान सरकार ये नारा दीजिए और अपने किसान साथियों को आगे लेके आइए। तब भी चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार, फिर से अपने फादर को लड़वाएंगे? नहीं, फादर ही लड़ेंगे जी। कहाँ से चुनाव लड़ने? अभी ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कहाँ से लड़ने वाले हैं जी। पहले भी काफी बार कोशिश कर चुके हैं और जो किसान साथ लगते थे उनका ये भी कहना था कि पॉलिटिक्स में आने के बाद कहीं ना कहीं गुरनाम चढ़ूनी से किसान पीछे हट गए। जी नहीं मैडम, आप एक चीज बताइए, किसान पीछे हट गए? जितने आंदोलन अभी जस्ट जून में हुआ था सूरजमुखी का आंदोलन, तो उसमें आपने खुद देखा ही होगा किसानों की संख्या कितनी थी, पिपली नाज मंडी में, कहीं बाहर सड़कों जुटी। चीज के लिए आप लोग, हर चीज के लिए आप लोग ये हाईवे क्यों जाम कर देते हो? आपके पास सीधे साधे कोई और चीजें नहीं है क्या करने के लिए? कोर्ट के माध्यम से लड़िए, और भी बहुत सारे लीगल तरीके हैं। ये जीटी रोड बंद करके दूसरे लोगों को, आम जनता को क्यों दिक्कत देते हो आप लोग?
अब मैं इसका स्पष्टीकरण कर देता हूँ मैडम। कई लोग औरों का भी बहुत सवाल है कि आप जीटी रोड क्यों जाम करते हैं। अब आंदोलन चल रहा था सूरजमुखी का, उसमें 2 महीने पहले शुरू हुई सरकार के पास, आप जो है हमारी इन मांगों को मान लिए और सरकार ने आगे आगे टाइम देती गई 2 महीने 2.5 महीने उसके निकल गए। उसके बाद 23 तारीख को मीटिंग हुई, फिर 25 को हुई, फिर सरकार को ज्ञापन दिया, तो जब सुनते ही नहीं, 3.5-3.5 महीने में तो लास्ट उपचार ही यही रह गया। फिर ये तो किसान की मजबूरी है जीटी रोड के ऊपर आके बैठना, तो करे क्या किसान। हर छोटे किसान को सरकार 6,000 रुपये अकाउंट में दे रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? 6,000 रुपया मैडम ऐसा है सरकार ना दे, अगर किसान को नहीं भी दे रही है तो क्या कहना चाहोगे? अच्छी स्कीम है कि नहीं है? भी नहीं है। क्या है, कैसे नहीं है? आज महंगाई देखिए। एक मिनट, गुरनाम सिंह चडूनी की जो वाइफ है वो आंटी जी बोलेंगे इस पे। जी आंटी बताओ। हाँ मैं बोलना चाहूंगी कि जो ये 6,000 दे रही है, पहले भूख देते हैं और बाद में भीख देते हैं हमारे को। अच्छा, हमें इसकी आंटी कह रही है पहले सरकार भूख देती है तो वो हमारे हमें की बात जो किसान के हक हैं, जैसे कि किसान का सबसे बड़ा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए, C2+50% जो फॉर्मूला है उसको लागू किया जाए। अगर किसान के पास फसल का उसकी के नीचे दब के जो है गुंडागर्दी भी करते हो ना, आप टोल देते कभी भी जाम लगा देते हो, टोल देने से भी बचते हो, क्यों? क्योंकि देखिए जब एक व्यक्ति ने गाड़ी ली है, गाड़ी ली उसका आरसी टैक्स पे कर दिया, उसे रोड टैक्स ही बोलते हैं, जो आरसी टैक्स पे कर दिया और गाड़ी का जीएसटी पे कर दिया, इंश्योरेंस करवाया उसमें टैक्स पे कर दिया, तो ये टैक्स रोड टैक्स भी रोड किस चीज का ले रहे हैं? तो मतलब ये सिर्फ किसानों के लिए लागू करवाना चाहते हो आप? नहीं, जब टोल फ्री हुए तो हर इंसान के लिए हुए थे, हर वर्ग। आप लोग तो हमने गाड़ी ली, हमने टैक्स पे कर दिया, अगर बार बार हम किस चीज का टैक्स पे करें, बार बार रोक। जो चीज लीगल है वो नहीं करोगे, वही चीज तो मैं कह रही हूँ, लीगल चीज लीगल है, ये इलीगल है, रोड टैक्स इलीगल है जब एक बार सरकार ने ले लिया। और आप एक चीज देखिए, जो शंभू बॉर्डर वाला टोल टैक्स लगाया था उस टाइम ये बोल के लगाया गया था कि सिर्फ 3 साल के लिए लगाया है, उसको मेरे ख्याल जब से हम देखते आ रहे हैं देखते ही आ रहे हैं आज तक भी वो लगा हुआ है। और आप यहाँ से दिल्ली चले जाइए, कितने टोल बीच में लगा दिए, थोड़ी थोड़ी जगह में टोल लगा दिए, और पानीपत वाला टोल, मतलब आज की डेट में टोल फ्री होगा, धक्के से होगा, लेकिन सिर्फ किसानों के लिए होगा? नहीं जी, किसानों के लिए नहीं होगा। हम तो बोलते हैं हमारे साथ आइए, हम तो फ्री कराएंगे, आ जाओ, क्यों नहीं आते? हमें, हम तो इस चीज को के बिल्कुल खिलाफ है, जो टोल टैक्स है बिल्कुल नहीं। अब तो खट्टर साहब ने एक और अनाउंसमेंट कर दी, कहते राजमार्गों पर स्थित 6 टोल 1 दिसंबर से बंद कर दिए जाएंगे। अब तो मैडम ये सारी करेंगे, अभी देखना आप गन्ने का रेट भी देंगे, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आगे 2024 आगे इलेक्शन आगे, अब तो सारा कुछ करेंगे। पिछले साल जब गन्ने का आंदोलन हुआ था तो इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलने के बावजूद हरियाणा के सारे शुगर मिल बंद थे और सिर्फ 10 रुपये गन्ने का भाव बढ़ाया, सिर्फ 10 रुपये, और इसीलिए नहीं बढ़ाया कि अगले साल बढ़ाएंगे। अब उसके अगले साल इलेक्शन है और किसानों को ये दिखाएंगे, देखो जी हमने क्या लगता है इलेक्शन से पहले ये लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को। जी हर बार ही देते हैं, पिछली बार भी दिया था, अब की बार फिर देंगे, लेकिन अब की बार किसान पहले से समझदार हो गया है, उसको अपने हकों का पता लग गया है, आपने देखा भी होगा। ऐसा सुनने में आया था आप भी कांग्रेस वाले से मिले, कोई कांग्रेस से पार्टी टिकट लेके इलेक्शन लड़ने की कोई ऐसी तो चीज नहीं होने वाली है? नहीं मैडम, आपने सूत्रों के हवाले सुनो गए तो सूत्रों के हवाले से खबर आती है जी हमारे पास। मैम किससे मिले भी बता दूंगा आपको, पता है अच्छे से हमारे सूत्र फिर या तो गलत होंगे क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये खबर छूटी है, लेकिन ये खबर तो सच्ची है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से, कांग्रेस के एक जो है नेता से मिले थे इनके यहाँ से कोई। और ऐसा भी सुनने में आया था कि आने वाले चुनाव आप लड़ सकते हो आपके फादर की जगह। नहीं जी, मेरे फादर ही लड़ेंगे, बाकी आगे मौके के पता नहीं क्या होगा। कहाँ से लड़ेंगे ये नहीं पता, कहाँ से लड़ेंगे अभी ये कोई डिसाइड नहीं है। और फादर ही नहीं लड़ेंगे, और किसान भी लड़ेंगे, अकेले फादर ही नहीं लड़ेंगे और किसान भी लड़ेंगे। किसी पार्टी से लड़ेंगे या अपनी पार्टी जो बनाई है? अभी देखो क्या सर्कमस्टांसेस बनते आगे जाके, मतलब किसी और पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हो? नहीं अभी ये नहीं पता ना, पार्टी देखो हम एक चीज लगा के चले, पार्टी तो सारी ऐसी ही है। अच्छा, कौन कौन सी पार्टी ऐसी है ये बता दो। सारी ऐसी है, नाम बताओ, सारी आ गई, नाम बताओ कितनी। मेरे को नाम नहीं पता पार्टियों का सर, नॉलेज थोड़ी कम है मेरी। सारी आ गई मैडम, नाम तो बताओ, राजनीतिक पार्टियां जितनी है सारी कितनी है, यहाँ आपके एरिया की बात करें कौन कौन सी पार्टी ज्यादा एक्टिव है? इनेलो है,
ठीक है, इनेलो जो सरकार इनेलो के टाइम में थी, तो इन्होंने अपने टाइम में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी की है कंडेला के अंदर। आजकल आप लोग अभी अभी सुनिए, नहीं हम क्या करते हैं, अभी हमने किसको गोली मारी है बताइए, हमने टोल टैक्स से धक्के से निकलते हो, जीटी रोड जाम कर देते हो, जिसकी वजह से आम जनता को दिक्कत होती है, पीछे एम्बुलेंस फंसी रह जाती है। हम बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नाजायज है। आप सुनिए ना अभी बात, अभी आप बात सुनिए ना, इनेलो सरकार ने 1700 गोलियां राउंड फायर कराई थी, जितनी गोलियां जलिया वाले बाग में चली थी ना, इतनी गोलियां चटाले के राज में चली हैं। और उसके बाद शाहबाद शुगर मिल का जो इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे कांड कराया था, लाठीचार्ज इतना भयंकर हुआ था। तो इनेलो की बात होगी, दूसरी पार्टी पे आ जाते, बीजेपी पे आ जाइए, कांग्रेस पे आ जाइए, बताओ बीजेपी और कांग्रेस का भी बता दो। तो मैडम बीजेपी के तो आपके सामने है, क्या सामने है बीजेपी, कमाल है आपके सामने है किसान, नहीं आप बताओ, इतना बड़ा किसान, मांगे मांगी तभी तो किसान आंदोलन खत्म हुआ, तभी आपने कहा ना बहुत सारे आंदोलन जिताए हैं आपके फादर ने। हाँ तो आंदोलन लड़े हैं, हाँ लड़े हैं ना, लड़े हैं ना, मांगे पूरी हुई ना, मांगे पूरी हुई जी, नहीं पूरी हुई, नहीं हुई पूरी, एमएसपी की मांग बताओ कहाँ पूरी हुई है, इन्होंने वहां से बोल के उठा दिया कि हम कमेटी बनाएंगे, आज तक उस कमेटी का कुछ नहीं पता। जीत कैसे हुई आप लोगों की? तो मैडम वो तो तीन काले कानून वापस थे ना, जीत तो एमएसपी का, इन्होंने ये बोला था हम कमेटी बनाएंगे, और क्या हुआ उस कमेटी का? बनी नहीं आज तक उस कमेटी में, इन्होंने जितने मेंबर लिए थे वो सारे इन्हीं के थे, सिर्फ तीन से चार जो लोग थे वो किसानों की तरफ से थे, अब 30 के सामने तीन क्या करेंगे बताइए आप। इसके अलावा कांग्रेस पे आ जाते हैं अब, तो अगर आप वहां से टिकट नहीं ले रहे तो उनके बारे में बताई दो। तो सुन लीजिए मैम, सुना रहा हूँ मैं आपको, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इनेलो की हो, चाहे बीजेपी की हो, हर सरकार में प्रधान जी ने आंदोलन किए हैं। 2012 के अंदर गन्ना आंदोलन हुआ था, एक मिनट सुन लीजिए, गन्ना आंदोलन हुआ था कांग्रेस के राज में रादौर, तब भी सारे शुगर मिल बंद हुए थे, और तब भी किसान 40 रुपए अपना रेट लेके उठे थे या दे नहीं रहे थे, लेकिन लेके उठे थे वहां से, उस टाइम भी आंदोलन। कांग्रेस इनेलो बीजेपी की तो बात इन्होंने कर दी, आम आदमी पार्टी से तो टिकट ले रहे, इसका मतलब उनके बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं ले रहे आम आदमी पार्टी, अभी यहाँ सरकार आई नहीं अभी तक, तो हरियाणा में एक्टिव तो काफी ज्यादा हो रहे हैं। एक्टिव होना अलग बात है, लेकिन सरकार होना, उसकी चौधर होना वो अलग बात है, एक्टिव तो होते रहे। क्या पता लगता है नई पार्टी नया चेहरा टिकट लेके और कर दो काम जी, नहीं मतलब अपने उस अपने दम पे लड़ेंगे चुनाव। अब मैं आपको बताता रहूं, आगे देखो ना जाके बनेगा क्या, अभी लोगों से राय करेंगे, किसान साथियों की राय लेंगे, गौर से देख लो, एक गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बेटे हमारे साथ थे, वो तो घर पर नहीं मिले, लेकिन इन्होंने बताया किस तरीके से, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे पार्टी हो बीजेपी कांग्रेस या फिर इनेलो, सभी पार्टी को बोला की भाई पार्टी सभी की सभी किसान विरोधी है, किसी ने भी किसान के हितों में काम नहीं किया है। अब अगर आने वाले समय में इन्होंने किसी पार्टी की टिकट ली तो जवाबदेही यही देंगे, सही कह रही हूँ मैडम? मैंने आपसे ये बोला है, मैंने आपसे ये नहीं बोला कि किसी ने भी काम नहीं किया या किसी ने भी बात नहीं मानी, किसान विरोधी तो सारी रही हैं, किसान विरोधी रही, तो मैडम रूल तो सभी लेके आए हैं किसान विरोधी, अकेले किसान विरोधी नहीं, व्यापारियों के विरोधी और चीजों के हर वर्ग के विरोध में रूल लेके आए हैं, और सबसे ज्यादा जब से बीजेपी की सरकार आई है, 10 साल हो गए, 2014 से लेके अब तक 10 साल पूरे हो जाएंगे इस बीजेपी सरकार के अंदर, अकेले हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर जितने आंदोलन हुए हैं, और हर वर्ग तकरीबन सड़क के ऊपर बैठा, आप किसानों की बात मत कीजिए, किसानों के ऊपर ये मत गिराइए कि किसान ही रोड जाम कर रहा है, अकेला किसान नहीं, कर्मचारी आ जाए, आंगनवाड़ी वाले आ जाए, मजदूर आ जाए। लगता है हरियाणा में इस बार दोबारा से बीजेपी आ पाएगी जी? हरियाणा में दोबारा बीजेपी आ पाएगी? कभी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी पक्का, श्योर है, घुसने भी नहीं देंगे, किसान आंदोलन का बहुत ज्यादा असर पड़ा है जी, बिल्कुल, और घुसने भी नहीं दिया जाएगा बीजेपी वालों को गाँव में। तो भाई ये थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बेटे अर्शपाल चढ़ूनी, जेजेपी वो भी इनके साथ की है, वो भी इनके साथ की है, बीजेपी बोल दो, जेजेपी अपने आप ही, जेजेपी अलग है ना, अभी जो जेजेपी वाले ने वोट लिए थे वो ये बोल के लिए थे बीजेपी विरोधी वोट लिए थे, ठीक है ना, बाद में शाम को जाके गठबंधन कर लिया, तो ये मैं भूल गया था, एक पार्टी ये भी है। तो भी इन्होंने तो अपनी बातें रख दी, किसानों के लिए कोई मैसेज जाते जाते, किसानों के लिए मैडम यही मैसेज है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आगे आपको पता है कि इलेक्शन आने वाला है, और इसको लेके 23 नवंबर को जो है पिपली अनाज मंडी के अंदर एक पूरे देश के तरफ से जितने भी किसान मजदूर रेड़ी फड़ी वाले बेरोजगार जितने भी हैं वो सभी यहां आंदोलन में इकट्ठा हो रहे हैं, और एक मुद्दा जो है इन पार्टियों को दिया जाएगा, क्योंकि मुद्दे जो हैं ये सरकार फिर भूल जाती है, अब इनसे पहले बातचीत करके और पहले अपना मुद्दा खड़ा करेंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप अपना संख्या बल दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, ये तब मुमकिन होगा। भाई ये थे अर्शपाल चढ़ूनी, जिन्होंने किसानों के लिए भी एक मैसेज जरूर दिया, और यही कहा कि आने वाले समय में तीसरी बार खट्टर सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी, गाँव में घुसने भी नहीं देंगे। आप लोगों की वीडियो पर क्या कुछ आ रहा है कमेंट सेक्शन में।